नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, यूथ कांग्रेस के प्रभारी और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर रह चुके पूर्व सांसद अशोक तंवर ने अपना नया मोर्चा बना लिया है। गुरुवार को तंवर ने अपने नए मोर्चे अपना भारत मोर्चा का ऐलान किया। अशोक तंवर ने डिजिटल माध्यम से मोर्चे के गठन का ऐलान किया। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका तंवर माकन मौजूद रही। इसी तरह अलग अलग जगहों पर तंवर के समर्थक भी मौजूद रहे। अशोक तंवर कभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खास लोगों में शुमार थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब वो राज्य की सियासत में अपनी सियासी राह तलाशने में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इस सर का मस्तक है सियास हमारा, इस भारत का हमारा जो ताज है जम्मू कश्मीर, उसको इन्होंने कह दिया कि ये जिहादियों का अड्डा है, ये सेपरेटिस्ट है, एक और तमाम दूसरी ताकत। पिछले 90 दिन से ज्यादा हमारे किसान हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि किसानों को बैठना पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि किसान मजदूर साधारण व्यक्ति अपनी वोट दे देता है और वो लोगों को भेज देता है देश की संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, इसलिए कि वो लोग जिनको वो भेज रहे हैं वो उनके हितों की रक्षा संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं के अंदर करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वही लोग बावजूद इसके कि हिंदुस्तानी जो सत्ता आज जो तानाशाह बैठे हैं उनका नंबर कम होते हुए भी वो उनके बिलों को पास करवाते हैं, और पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बिल पे बिल पास हो रहे हैं जो किसान, गरीब, मजदूर, साधारण परिवार के लोग, नौजवानों के खिलाफ, हमारे एक्सीडेंट के खिलाफ, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ लगातार वो देखते हैं। और जब वो लोग निकलते हैं पंजाब से, जब हमारा संविधान भी इसी तरीके से शुरू होता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग चाहते क्या है, भारत के लोग सोचते क्या है, भारत के लोग करना क्या चाहते हैं, और आज उस भारत के सामने क्या चुनौती है उसको लेकर के हम सारे यहां पर आए हैं। 25 जगह आज पूरे देश के अंदर ये लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, क्योंकि पैंडेमिक का दौर है, कोरोना का काल है, एक जगह ये संभव नहीं था कि पूरे देश में कहीं भी हम एक जगह कर सकते, और अगर शुरुआत में नहीं बुलाते तो सब ये सोचते कि मोर्चा शुरू कर लिया, लेकिन हमें इतनी बड़ी शुरुआत के मौके पर हमें उसमें शामिल नहीं किया। मैं सभी आज जो यहाँ पर है वो भी जो अलग अलग लोकेशन पर है भी बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। इसकी शुरुआत 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तब शुरू हुई थी जब हुड्डा ने तंवर को उनकी पसंद के टिकट नहीं लेने दिए थे। फिर इसके बाद दोनों में आरोप प्रत्यारोप और दिल्ली दरबार की राजनीति में एक दूसरे को पीछे धकेलने का लंबा खेल चला, जो तब तक जारी रहा जब तक अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा नहीं कह दिया। अब आखिरकार अशोक तंवर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।